तो तेरा था स्माइल दो हाँ स्माइल देने मुझे एक भी बैठी हो यहाँ जितने ग्लैमर बैठे हुए हैं ऑल द ग्लैमर्स हमारी स्माइल से क्या होगा चलिए हम वहाँ पर कुछ करें शिमांशु कहाँ है हेलो 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 रुकिए मैम सर सामने सर सामने सामने सर लुक सी सेंटर चाय हो गया सर ओके मैं इसमें ऐड करता जाऊंगा एक सोलो जाएगी सर आपकी सोलो तो जाएगी नहीं ना आप साथ में नहीं जाएगा सर सोलो नहीं जाएगा ना मैंने तो देखा नहीं सोलो उसका इसका डिलीट करो सर सोलो नहीं सेंटा आई ओके ओके नहीं सेंटा ज्यादा माल भरा लो सेकंड वन पूरा पॉपुलर प्रोड्यूसर बन गए खड़े तो रहो कहीं अमेरिका में भी शूट कर दे भाग जाए मिलेगी आ जा
अनुप जी आइए ना आइए सर आइए तो बस इनके भजन तो मेरी गाड़ी में लगी रहे आपके पिताजी बड़े थे मेरे भी गाड़ी में लगे ही रहते हैं आपके सुनते ही रहता हूँ दोहे आपके ये वो सब थैंक यू अब ये गाना लगा दें जैसे गाना लगा दें ना आपका वो चाय चाय वाला प्लान है ना मैं नहीं मांगता आओ सर साहब आओ बस सुन ले जरा हां बैठिए अरे आप उसको बाद में पहले अच्छा बाद में ऊपर है ये खाली वीडियो के बाद पहले आप दोनों इसको आओ आओ आपके अच्छे भाई ओपनिंग जी अच्छा सर क्या करना है जी रिमोट से करेंगे आप ना हां चालू करो ना कैसे है जी चालू कर पंच थोड़ा इधर उधर उधर जाओ चलो भाई सॉरी चलो मैं देता हूँ सर यहाँ पे देखिए हमारा क्या है हमारा तो घर ही है अरे अरे आप लीजिए आप आजा भाई तू भी आजा नाम सेंटर पूरे देश ने चुना है उनको एक नेता के रूप में एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में तो आई थिंक और सारे पूरे देशवासियों को उम्मीद है उनसे कि कुछ बेहतरीन होगा जो पीछे मिसिंग था आज से 8-10 साल पहले तो सारे लोगों को उम्मीद है ख़ास तौर से हम लोगों को एज एन आर्टिस्ट हम लोगों ने इसीलिए एक बेहतरीन नगमा एक डेडिकेट किया है अपने प्रधानमंत्री जी को तो उम्मीद करते हैं कि जो हमारा गीत कह रहा है वाकई वो प्रूव करके दिखाएंगे हमारे प्रधानमंत्री जी गाने को लेकर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए मैम जो आप लोगों ने सभी ने मिलकर काफ़ी राग अलापे हैं जी बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक नई सोच एक नई दिशा की तरफ देश जो बढ़ रहा है वही हम लोग फील भी कर रहे थे तो एक बहुत सही टाइम पर ये हम लोगों ने गाना बनाया और उसको गाया तो वाकई एक जो नई एनर्जी जो गाते वक्त फील हो रही थी रियली इस वक्त बात करते हुए मुझे वैसे ही लग रहा है कि रियली वी आर द चेंज और वी विल डू द चेंज विद आर जी 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 हर गाना अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग होता है और ये इसमें तो बहुत मज़ा आया इतनी खूबसूरत कॉम्पोजिशन की है मधुश्री जी ने और उतना ही खूबसूरत सारे सिंगर्स ने गाया मैं भी उसका एक हिस्सा बनी हूँ तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर देट देश जागा है देश जागा है तू चला तो ये देश जागा है देश जागा है देश जागा है तू चला तो ये देश जागा है थैंक यू सो मच
एक देश जागा है, इस गाना है, इसमें रवि जी का आइडिया, रवि बादल जी ने आइडिया दिया है और हैदर नजमी जी ने इसमें लिखा है, बहुत जोश भरा हुआ शब्दों से उन्होंने लिखा है और ये एक देश के लिए एक ट्रिब्यूट है, देश के लिए मैंने बनाया क्योंकि देश में जो परिवर्तन आया है, नया दौर आया है, एक खुशी की लहर, उसके लिए जब लोग बहुत खुश है, मोदी सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये सिखाया कि देखो एक कोई भी इंसान अगर चाहे इरादा कुछ कर ले, ठान ले तो कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए उनके बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं, और ये जो एक हौसला देने के लिए जोशीला गाना है, देश जागा है। सोलो एल्बम जो होता है, एक सिंगर गाता है, इतनी सारी सिंगर गाते हैं, तो चैलेंज क्या रहता है बेसिकली अगर देखा जाए तो? ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें जोशीला सॉन्ग है तो हमने इसमें अनुप जी, कविता सेठ जी ने गाया है, बहुत अच्छा जोशदार यंगस्टर जो अभिजीत सावंत है, अनुभव सिन्हा, स्वरूप खान, सब लोगों ने बहुत, क्योंकि मैं समझती हूँ जोशीला जो गाना है तो ये कॉम्बिनेशन के साथ अगर होता है तो बहुत अच्छा लगता है, सब लोग मिल के गा सकते हैं, तो बहुत सब ने सपोर्ट किया है, बहुत अच्छा। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ सब लोग बहुत खुश है, सब में एक नई उम्मीद जागी है, लोग सोच रहे बहुत कुछ होगा, एक परिवर्तन आया है जो जरूरी था और बस लगा कि बहुत कुछ होने वाला है। और किस तरह से प्रमोट करने वाले हम इसको यूट्यूब में, ऑनलाइन में प्रमोट करेंगे और मैं चाहती हूँ ये गाना सब लोग सुने, सब लोग गाएं इसके साथ और सचमुच जो देश में जो खुशी की लहर आई है उसमें साथ सबके साथ सब लोग झूमे उसमें। देश जागा है, देश जागा है, तू चला तो ये देश जागा है, देश जागा है, देश जागा है, तू चला है तो देश जागा है, देश को मिल गया नया जीवन, देश को मिल गया नया जीवन, मिल गई देश को नई धारा, मिल गई देश को नई धारा। थैंक यू। जी आपको भजन सम्राट कहा जाता है, अभी आप देशभक्ति सम्राट बनने वाले हैं इस गाने से? मुझे बहुत ही खुशी हुई कि इस गाने में, मुझे बहुत खुशी हुई कि इस गाने में मुझे भी रखा गया, मधुश्री जी और रवि जी ने इस गाने को बनाया, तैयार किया, तो मेरे मन में था कि कुछ इस तरह की फीलिंग इसमें आनी चाहिए कि सच में देश जागा है वो लोगों को लगे, और वो काम हुआ है। हैदर साहब ने बड़े प्यार से इसको लिखा, एक एक शब्द में जो पैट्रियोटिक फीलिंग है वो भरी हुई है, और हमारे और जो सिंगर्स हैं उन्होंने भी खूब कमाल किया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि देश तो जागा ही है लेकिन उसको और गति दे देगा ये गाना। अनुप जी कब सोचा इस एल्बम के बारे में, बनाने के बारे में, और क्या चैलेंज फेस करना पड़ा आपको? मुझे इसके बारे में 4 दिन पहले बताया गया कि इसको करना है, और जिस दिन बताया गया उसी दिन बुला लिया गया कि आज ही गा दीजिए, तो उसी दिन में गा भी दिया और आज गाना देख भी लिया, तैयार हो गया, वेरी नाइस। तो प्रमोट किस तरह से करने वाले, क्योंकि और भी एल्बम निकले हैं मोदी को अगर देखा जाए तो, ये एल्बम कितना डिफरेंट होगा, प्रमोशन क्या होगा? ये अलग है, इसके लिरिक्स बहुत पावरफुल हैं और ये टीवीज पे आएगा, यूट्यूब में आएगा और भी काफ़ी चैनल्स में आएगा, तो लोग इसको देखेंगे, इसका आनंद लेंगे। वो ये तो हुई एल्बम की बात, एज एन इंडिविजुअल, एज एन आर्टिस्ट क्या सोचते हैं, मोदी सरकार से क्या डिफरेंस आने वाला है? अटल जी के बाद ऐसा लगा कि एक व्यक्ति आया है जो देश को प्यार करता है, ये पॉलिटिशियन नहीं है, ये देशभक्त है, बाकी लोग पॉलिटिशियन लग रहे थे लेकिन ये देशभक्त हैं, और ये जो चेंज लाएंगे वो चेंज बहुत ही स्ट्रांग होंगे और बहुत देश के लिए अच्छे होंगे। तो आपको उम्मीदें क्या हैं, एज एन आर्टिस्ट क्या उम्मीदें आपको? मुझे उम्मीदें हैं कि देश में जो करप्शन होता था वो बंद होगा, आर्टिस्ट को फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ज़्यादा मिलेगा। मैं इस बार मोदी जी का स्टार प्रचारक था, बीजेपी का स्टार प्रचारक था, मैं उनके प्रचार के लिए मैं और नितिन गडकरी जी कई जगह गए, वाराणसी भी गए, वहाँ भी हमने किया, तो जहाँ जहाँ हम जाते थे ये लग रहा था कि लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर मोदी 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 हो रहा था, तो हम समझ गए कि इसको तो लहर को कोई रोक नहीं सकता, जब बच्चों तक बात पहुँच जाए तो फिर तो बात बन जाती है, और वही हुआ है कि जिस तरह से वो झाड़ू चल जाता है तो सब साफ हो गए और सब इनके झोली में वोट आ गए। थैंक यू। थैंक यू।
सर सबसे पहले क्वेश्चन, कैसा अनुभव रहा आपका इस एल्बम में गाने का और क्या खास पाया इस एल्बम में आपने? जब मधुश्री और रोबिदा ने मुझे गीत के लिए मुझे आमंत्रित किया, सबसे पहले मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और उसे इस गीत को हैदर नजमी साहब ने बहुत खूब लिखा है। ये गीत की पंक्तियाँ सुन के दिल को छू जाता है। आज की युवा सभी उम्र के लोगों के दिल में हसरत है, ख्वाहिश है। और अभी जो इस देश में बदलाव आया है वो इसीलिए बदलाव आया कि सब लोग एक चेंज चाहते हैं, एक बदलाव चाहते हैं देश की उन्नति के लिए। देश तो अपना घर है, सब चाहते हैं कि घर में उन्नति हो और पूरा देश बाहर बाहर सब जगह जिस तरह से सब खुशियों का एक माहौल आ जाए देश में। और वही उम्मीद के साथ ये गीत लिखा गया है। तो गीत गाने के समय के वक्त ये गीत की एक एक पंक्तियाँ दिल को छू जाती है। ये बताइए, मोदी सरकार से हर कोई इन्फ्लुएंस है, आप कितने ऐसे इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस हैं उनके आने से प्रधानमंत्री के तौर पे? पर मोदी सरकार का तो ऐसा है कि एक लग रहा है कि ये एक आदमी है, मोदी जी एक आदमी है जो दिल से चाहते हैं कि देश में कुछ बदलाव हो, सिर्फ कहने के लिए नहीं लेकिन करने के लिए। और यही आशा के साथ ही इस देश में बदलाव आया है कि अभी कुछ ऐसा होगा कि जो सब चाहते हैं वही होगा। और इस बदलाव के साथ एक बदलाव बहुत जल्द इस देश में आएगा। लास्ट क्वेश्चन ये है कि गायकी के अलावा समाज सेवा से जुड़े हैं, एनजीओ चलाते हैं, एनजीओ किस चीज़ के बारे में क्या करती है एनजीओ? कंसर्न फॉर मुंबई हमारे एक एनजीओ है जो ब्यूटिफिकेशन ऑफ हेरिटेज ब्रिजेस और स्ट्रक्चर्स का काम करती है। काफ़ी बॉम्बे में ओलिवन ब्रिज करके जिसको हम लोग ने अडॉप्ट किया और ब्यूटीफाई किया। तो हम चाहते हैं कि जो ये प्रोजेक्ट्स हम जब करते हैं हम लोग को बहुत कठिनाई आती है, हम खर्चा करते हैं लेकिन हम लोग को बहुत परमिशन लेनी आती है। अब लगता है कि ऐसा एक दौर आ गया कि अगर हम कुछ चाहते हैं, अगर यहाँ का सिटीजन नागरिक कुछ चेंज करना चाहता है तो जो भी परमिशन है, जो भी कठिनाई है, वो बहुत जल्द दूर हो जाएगी और एक बम्बई और एक देश, एक स्वच्छ देश बहुत जल्दी अपने को देखने को मिलेगा। थैंक यू। बिल्कुल, देखो ये एक्चुअली मैंने अपनी पहचान के लिए नहीं गाया है, मैंने एक अपनी जो नई सरकार आई है उसके लिए गाया है। सो कभी ये सोचा नहीं कि एक मुझे नई पहचान मिलेगी, पर हम मोदी जी को और पूरे देश को एक अपने म्यूजिक के जरिए एक संदेश देना चाहते हैं कि आप, पूरा देश जाग चुका है तो हमेशा के लिए जाग जाइए ताकि हमारा देश और आगे बढ़े और सुधरे, काफ़ी काम करे। और मोदी जी के बारे में तो आप पूछो, तो मैं यही कहूँगा कि काफ़ी उम्मीदें हैं उनसे और वो अपना काम करना जानते हैं और आई होप कि वो बहुत अच्छा काम करेंगे। इतने सारे सिंगर के साथ एक साथ गाना कैसा लगा आपका, क्योंकि ये मल्टी एल्बम है, मल्टी सिंगर एल्बम है? हाँ बिल्कुल, ये अच्छी बात बोली आपने कि एक तो इस गाने का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ क्योंकि इसकी कंपोजिशन बहुत अच्छी है, मधुश्री जी और बादल जी ने बहुत कमाल का इसको म्यूज़िक दिया है एंड हैदर जी ने काफ़ी अच्छे लिरिक्स लिखे हैं। और सबसे बड़ी बात, काफ़ी बड़े बड़े सिंगर्स ने साथ में गाया है, अनूप जनोड़ा जी, मधुश्री जी खुद ने गाया है, आप चाहे उनको बहुत सारे सिंगर, अभिजीत सावंत, कविता सेठ जी, और मैंने भी गाया है। सो बहुत अच्छा लग रहा है काफ़ी सिंगरों के साथ गा के और पूरी उम्मीद है कि ये गाना पूरे भारत तक पहुंचेगा और काफ़ी लोग जागरूक हो गए इस सॉन्ग से। जरा गुनगुनाइए कैमरा के सामने आए। ओके। देश को मिल गया नया जीवन, देश को मिल गया नया जीवन, मिल गई देश को नई धारा, मिल गई देश को नई धारा। देश जागा है, देश जागा है, तू चला तो ये देश जागा है, देश जागा है, देश जागा, तू चला तो ये देश जागा है। और थैंक यू सो मच, पूरे भारत को सलाम नमस्कार। एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ एंड पूरे मतलब सरकार का कि उन्होंने युवाओं का ध्यान खींचा, युवा नहीं जानते थे राजनीति पर, स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ध्यान खींचा है राजनीति के और हमारे हिंदुस्तान के युवाओं का। सो काफ़ी देश में सुधार होगा, पूरी उम्मीद है। थैंक यू। सामने सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा, ये एल्बम मोदी जी के नाम पे डेडिकेटेड जी, मोदी जी को एज एन इंडिविजुअल, एज एन मनुष्य कैसे देखा? मोदी जी अगर देखा जाए बतौर इंसान, एक मतलब अगर कहा जाए आज के हिंदुस्तान के लिए एक माइलस्टोन आप बोल सकते हैं कि उनके नक्शे कदम पर आज के युवा लोग चल रहे हैं और बड़े लोग भी उनको काफ़ी सराह रहे हैं। तो आज के डेट में हर एक इंसान का आइडल बन चुके हैं नरेंद्र मोदी जी, और प्रधानमंत्री बने बहुत ही खुशी की बात है और सबको उस चीज़ पे गर्व भी है। तो इस एल्बम में काम करने का मौका आपको कैसे मिला?
इस एल्बम में काम करने का मौका मुझे खासकर दिया रॉबी बादल जी ने, रॉबी सर ने, मधुश्री जी ने, क्योंकि एक रियलिटी शो के ज़रिए मैं मिला था मधु जी से, तो उन्होंने मेरे को खास करके फ़ोन करके बुलाया, ये गीत सुनाया कि एक डेडिकेशन है मोदी जी को और देश को कि ये सॉन्ग, और मैं भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को क्योंकि इस गाने का एक हिस्सा मैं हूँ, इस गाने में भी मैंने भी गाया है, तो आई एम क्वाइट लकी। आखिरी सवाल, क्या उम्मीद करते हैं एल्बम से, लोगों को कितनी पसंद आएगी एल्बम, क्यों पसंद आएगी ये एल्बम? जितना जाएगा लोगों में उतना लोग पसंद करेंगे, बिकॉज क्या है कि गाने के बोल ही ऐसे हैं, हैदर नजमी साहब ने जो राइटर हैं इस गीत के, उन्होंने लिरिक्स कुछ इस तरह से लिखे हैं कि देश जागा है, देश जागा है, खुशबू उड़ी महकी फिजा, हर कली ने ये गीत गाया देश जागा है, इस तरह के लिरिक्स आर वेरी ब्यूटीफुल, और कंपोजिशन जैसे कि रॉबी और मधु जी ने कंपोज किया है पूरा सॉन्ग, तो आई डोंट थिंक कि इट्स अ फ्लॉप, इट्स अ वेरी बिग हिट, और जितना लोगों में जाएगा उतना ही लोग उसको सुनना पसंद करेंगे। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा मधुश्री जी का, रवि भाई का, कि उन्होंने मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी दी और ये कहा कि सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा मधुश्री जी का और रवि भाई का कि उन्होंने मुझे ये खूबसूरत अपॉर्चुनिटी दी, मुझसे बहुत मुस्कुराते हुए और बहुत आहिस्ता लहजे में कहा, सर आप लिखेंगे, बीजेपी के लिए लिखना है आपको, मोदी जी के लिए लिखना है आपको, क्या आप लिखेंगे? मैं ज़रूर लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा? उसकी वजह यह है कि हम सब तब्दीली चाहते हैं, मुल्क को, देश को रफ्तार में देखना चाहते हैं, तरक्की में देखना चाहते हैं, कामयाबी में देखना चाहते हैं, तो आपने देखा होगा कि इस गाने में देश को मिल गया नया जीवन, मिल गई देश को नई धारा, तो ये जो फीलिंग आवाम की है, जनता की है, मैंने उसको नज़र में रखते हुए लिखने की कोशिश की है, और मुझे पूरा 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 यकीन है कि जब जब आप इस गाने को सुनेंगे, इतना हसीन एनर्जेटिक म्यूज़िक है, कंपोजिशन है, और उसके साथ जो लफ्ज़ों का तालमेल है, वो आपके अंदर एक स्फूर्ति पैदा करता है, और अगर पसंद आ जाए लोगों को तो मुझे बहुत खुशी होगी। काफ़ी सारे सिंगर्स हैं इसमें, मधुश्री हैं, अनुप जलोटा हैं, अभिषेक सावंत हैं, तो सारे के सारे से क्या कॉम्प्लीमेंट मिला सिंगर से आपको इस लिरिक्स के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि फिल्म इंडस्ट्री में मुझे सबसे पहले अगर किसी ने बाकायदा ब्रेक दिया तो वो श्री अनूप जलोटा साहब हैं, उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं, आप हमारे साथ आए, और फिर उनके साथ हमने कई प्रोजेक्ट किए, तो ये मेरे लिए बहुत मैं प्रिविलेज फील कर रहा हूँ कि मैं उनके साथ, कविता जी के साथ, मधुश्री जी के साथ में, और ये जो यंगर्स हैं इनके साथ जो संयोग बन रहा है लिखने का, यही मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। देखिए, अगर किसी फिल्म के लिए गाना लिखा जा रहा है तो उसमें सब कुछ तय होता है कि ये कैरेक्टर है, ये है, ये है, ये है, और इस दायरे में आपको लिखना है, ये मेरे लिए चैलेंज नहीं था, ये मेरे लिए खूबसूरत मौका मुझे मेरे रब ने अता किया कि मैं आवाम की कैफियत को, आवाम के जज्बात को लोगों तक अपने लफ्ज़ों के ज़रिए पहुंचा सकूं। आज मुल्क तब्दीली चाहता है, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आपने कैसे लिख दिया, आप तो हैदर नाम है आपका, आप उनके लिए लिख रहे हैं, तो मैं मुस्कुराया, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा एक पहला फरीज़ा, एक जिम्मेदारी मुल्क के लिए बनती है, आवाम के लिए बनती है, आवाम की खुशहाली के लिए बनती है, तो ये जो गाना था, कंपोजिशन इतनी हसीन थी, कुछ करना नहीं पड़ा, ऐसा लगा कुछ रखा रखा था स्पेस में और वो उतर के आ गया।
बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी हाँ जी चलिए। हाँ हाँ जी नहीं, मुझे ये एल्बम बहुत अच्छा लगा। मोदी जी आए हैं और उनके सम्मान में ये एक श्रद्धांजलि दी है मधुश्री जी और तमाम सिंगरों ने, और बड़ा अच्छा लगा मुझे सुनकर। अनूप जलटा जी ने भी गाया है इसमें, और चंदू भाई जी के यहाँ आया हूँ, उन्होंने इसको रिलीज़ आज किया है, एंड इट इज़ वंडरफुल एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस। और मुझे बड़ा इमोशन, मेरे सामने उसका विजुअल अभी भी चल रहा है तो बार बार इसलिए लोग उधर जा रहा है, तो मुझे बड़ा इमोशनल और बड़ा अच्छा लगा है। मेरी शुभकामनाएं हैं, और जैसा इस गीत में लिखा है मुझे लगता है कि देश भी वैसे ही आगे होगा। हम सबको वैसे ही उम्मीद है मोदी जी से और इस संगीत से। आप हमसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट फिल्म बनाते हैं, तो मोदी अभी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट का लिखा जाए तो मोदी जी पे फिल्म बनाने का? अभी मोदी जी पे फिल्म डेफिनेटली बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, वो तो बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, लेकिन अभी देखते हैं क्या करते हैं। अभी तो मोदी जी के लिए अभी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो देश की सही फिल्म बनाए, तो उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। जी आपके सवाल, गदर हीरो इतने बड़े-बड़े फिल्में दी आपने, अभी आगे का क्या है? आगे का अभी प्लान कर रहे हैं, अभी स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, जैसे स्क्रिप्ट हो जाए नहीं अभी नहीं डिस्क्लोज करना चाहिए। ओके थैंक यू। हां सबसे पहले पूछना चाहूंगा इस एल्बम को बनाने का कैसे? मैं एक लाइन से शुरुआत करना चाहता हूं, खुशबू उड़ी महकी हवा हर पल ने ये गीत गाया है, खुशबू उड़ी महकी हवा हर पल ने ये गीत गाया है, अब देश जागा है, अब देश जागा है। ये टैग लाइन मैं चंदू भाई जी को कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार के बहुत करीब हुए और इन्होंने बहुत मेहनत किया, मुझे मालूम है 4-5 महीने से कितने मेहनत किए। हम मिलना चाहते थे कि यार मैं तो अभी वहाँ पर रैली में हूँ, यहाँ पर हूँ, और इन्होंने आज मुझे आज भी यहाँ इतना मदद किए, यहाँ पर हम जो इंटरव्यू दे रहे हैं, और बहुत अच्छे से हमें ये स्वागत किया और आप लोग को भी स्वागत किए। ये मैं बहुत दिनों से हमारी ख्वाहिश थी कि इस देश को एक हीरो चाहिए, छोटे से लेके बड़े को कोई चाहिए, जिसको वो देख के कहे, उत्साह मिले कि यार मुझे कुछ करना है, और वो मोदी में है, मोदी में देखने को मिला, इसलिए जोर तोर से लोग उनके वोट दिए, और हमें पूरा आशा है कि ये देश एक नए दौर के तरफ जा रहा है और मोदी सरकार लेके जाएगा। हमारी कोशिश ये है कि अपने म्यूजिक के द्वारा हम कुछ दें, लोगों को उत्साह बढ़ाएं, और हैदर साहब ने बहुत अच्छा लिखा, और इससे ज़्यादा तो हम क्या कर सकते हैं, बस यही कर सकते हैं। आप सब क्या करेंगे? मैं मुझे जब मधुश्री और भाई साहब ने बताया कि हम मोदी साहब के लिए ये एल्बम बना रहे हैं, तो मैंने उसको एक मिनट में एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मोदी साहब तो मेरे नेता है, चाहते नेता है, देश के नेता है, हम बहुत सालों से साथ में हैं, 40 साल से साथ में हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने बोला कि इधर ही करो सब, मैं सब व्यवस्था करता हूं, और मुझे खुशी हुई कि इधर ये हुआ और इतना अच्छा एल्बम बनाया है, तो देश के लिए भी अच्छा है भैया। तो अब क्या मानते सुना रहे भविष्य देश के लिए मोदी सरकार, अगर 5 साल या 10 साल या 30 साल, मोदी सरकार 10 साल 15 साल जाएगी नहीं, और मैं बताऊँ बहुत अच्छा काम करेगी, इस आदमी को काम ही करना है, और तो कोई बात है नहीं जी। मैं उसको 10-12 साल से तो गुजरात में देख रहा हूँ, क्योंकि मैं भी पूरी जिंदगी पॉलिटिक्स में सबके साथ रहा हूँ, आई एम नॉट पॉलिटिशियन, पर मेरा रिश्ता बहुत अच्छा रहा है, तो मैं नरेंद्र मोदी जब छोटे कार्यकर थे वहाँ से अभी तक जानता हूँ, तो उसकी कारकर्दगी बहुत उज्ज्वल है, अच्छी है, मेहनतू आदमी है, और देश के लिए कुछ करेगा, उसको दम है उसमें। आखिरी सवाल, ये मोदी पे एल्बम बना, मोदी का इतना नाम है, मोदी के अलावा कोई और ऐसा नेता है, राजनेता जिस पे चाहेंगे कि एल्बम बने? अभी तो कुछ है ही नहीं, अभी तो कुछ रहा ही नहीं। मैं बताऊं, मैं मेरी विचारसरणी से मैं कांग्रेस को बहुत मानता हूं, मेरी 3 पीढ़ी कांग्रेस के साथ गई है, लेकिन जिस टाइप की उनकी व्यवस्था देख के लास्ट में हमने सोचा कि देश के लिए इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। बीजेपी में ऐसा कोई नेता नहीं जिसके नाम पे और एल्बम बन सके? नहीं नहीं, बन सकते हैं, सब लोग अच्छे हैं, कोई बुरे नहीं है, सुनो, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा कर दिया, तो आज टॉप पे तो वही है जी, बिल्कुल। हम तो वाजपेयी को भी इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, अडवाणी को भी इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। आखिरी सवाल, लिसनर से कि आप उम्मीद कर रहे हैं, दर्शकों से क्या उम्मीद कर रहे हैं इस एल्बम को लेकर, कैसा रिस्पॉन्स आएगा दर्शकों का? नहीं, दर्शकों का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको मोदी साहब तक पहुँचाऊँगा। फिल्मी एल्बम निकलते हैं, तो इस एल्बम में काम करने का अनुभव सबसे अलग कैसे था सिंगर के?
तौर पे? एक्चुअली क्या है कि एल्बम के लिए तो करते रहते हैं, सो कभी कभी मिलता है कि डेस के लिए भी कुछ करने को मिले जी। तो क्या होता है कि एक्चुअली अभी एक जो रिवोल्यूशन हुआ है इंडिया में, पूरे इंडिया में, तो मोदी जी को सबसे सबको मालूम ही है वो बहुत काम करने वाले हैं। ऑलरेडी गुजरात में बहुत कुछ किया है, तो हमको भी मतलब सबको एक्चुअली जो काम कर रहे थे उसको थोड़ा सा मतलब बूस्ट अप करने के लिए सबको कुछ करना पड़ता है, तो बहुत अच्छा लगा। आप सारे सिंगर्स काफी जोश, काफी उत्साह में गा रहे हैं इस एल्बम में, आपको लगता है जो जोश अच्छा आप में अभी जब लिसनर सुनेंगे या देखेंगे तो उनमें भराएगा? नहीं एक्चुअली अभी सब पूरे इंडिया में एक जोश है, वो जोश सबको देखने को मिल रहा है, सब इंडिया में जोश है, तो विश करता हूँ अभी जोश बढ़े। ऐसा नहीं है कि ये गाने के देखने के बाद जोश में आएगा, ऑलरेडी सब जोश में है। लेजेंडरी अनूप जलोटा है, मधुश्री जी हैं, कविता जी हैं, इन सब लेजेंडरी सिंगर के साथ काम करने का ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मेरे लिए। एक्चुअली मैंने प्रोग्राम भी किया पूरा गाना, और गाने के लिए भी मिला थोड़ा सा, इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी आई थिंक। लास्ट क्वेश्चन, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं दर्शकों से या लिसनर्स से एल्बम को लेकर, कितने कॉन्फिडेंट है कि ये एक बहुत बड़ी हिट होगी? सुनेंगे लोग, सबको अच्छा लगेगा, आई एम कॉन्फिडेंट दैट एवरी पीपल लाइक दिस सॉन्ग। थैंक यू।